आजिकल गोटे नुआ टर्म आउट दैट इज कॉल्ड एज लीन नैश। लीन मतलब पतला, नैश मतलब नौ मद पी की जो लिवर खराब हम नैश। तो पतला मानू को भी लिवर खराब हुए, रीजन कौन था? बिकॉज तांको सेमती जीन्स मिली बापा माँ द्वारा सेमती जो जेजे अजा आई तांको द्वारा एमती जीन्स गोटे फैमिली रे रन करी कि तांकर लिवर जल्दी खराब हो जाउची। सो दैट इज कॉल्ड एज लीन नैश। तादरे एक्चुअली यू कांट डू मच बिकॉज बस आपन एते करी परिबे कि यदि आपन फैमिली रे का को लिवर प्रॉब्लम अछि तो ठीक टाइम रे लिवर स्क्रीनिंग करंतु और जेते आपन को वेट रहउची तो जेमती सपोज आपन को हाइट अछि 165 सेंटीमीटर तो आपन को वजन केते रहया कथा? आपन वजन रहया कथा 65 किलो। तो जो मानु फैमिली रे लिवर प्रॉब्लम अछि से मानु को आरो भी 10% माइनस कर दियो यानी 165 सेंटीमीटर तो हाइट केते वेट केते रहया कथा 165 माइनस 100 65 किलो। तार 10% मतलब 6.5 किलो ऑलमोस्ट 58.5। तो से माने इतने वेट मेंटेन रखंतु तो तांकर चांसेस कम रहइबो लिवर खराब हवार। मुख्य तौर पे हम इंडिया रे तार कारण रहउची अल्कोहल, सेकंड रहउची नैश मतलब नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस मतलब जेनु मदर पियंतिनी लेकिन जो मान को डायबिटीज अछि मोटापा अछि से मान को कहउछु हमें नैश। तो दैट इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कारण। और धीरे धीरे ये सेकंड कारण जो अच्छी लिवर ट्रांसप्लांट रो मुख्य कारण बनिया को जाउची। बाय 2030 जाके ये नैश यानी जो मोटा माने जो डायबिटिक अछंती से माने मुख्य कारण ही परिबे लिवर सिरोसिस रो। थर्ड कारण रहउची ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस मतलब निजो शरीर निजो लिवर को चिनिया बंद कर दउची, इम्यूनिटी रे किछि प्रॉब्लम होउची से लिवर को डैमेज करउची, लिवर सिरोसिस हो जाउ तको हम कहउछु ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। फोर्थ कारण रहउची इन्फेक्शन, को इन्फेक्शन हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी तो धीरे धीरे बहुत कमिलानी नुआ ड्रग्स आसी आसगछ लेकिन हेपेटाइटिस बी एकना भी बहुत मेजर प्रॉब्लम अछि। फिफ्थ रहउची विल्सन, मोस्टली पिला मन को बेसी प्रॉब्लम करे तादरे न्यूरो और लिवर दीटा प्रॉब्लम आसे और बाकी सब बहुत सारा रेयर कारण रहउचंती ज्यादा मोस्टली कंजेनाइटल या फिर जीन रिलेटेड लेकिन ये पांचटा मुख्य कारण अछि जा सकासे हमर लिवर सिरोसिस हुए। सिम्पटम जो अच्छी आपको आम दी भाग में डिवाइड करता मेजर सिम्पटम एंड माइनर सिम्पटम। तो मेजर सिम्पटम प्रथम रोची जॉन्डिस मतलब शरीर रे बिलिरुबिन मात्रा 3 ऊपर हे जीवा ताको हम कहउछु जॉन्डिस। तादरे आखी परिसा सब येलो कलर रही जाइथिबो। सेकंड जिंस रोची पेट रे पानी भरी जीवा या फिर गोड़ हाथ फुली जीवा ताको हम कहउछु असाइटिस। दिस इज सेकंड सिम्पटम। थर्ड सिम्पटम रोची लोक माने चिन्ह न पारिबा यार साडू कथा हबा मेमोरी लॉस हबा ताको मैं कहउछु एनसेफलोपैथी क्यांकि लिवर सकासे होछु त ताका मैं कहउछु हेपेटिक एनसेफलोपैथी। फोर्थ रोची रक्त बांती हबा एटा काई कहिजे क्यांकि हमर एठी रक्त सिरो फुली जाय जोटा फाटी के रक्त बांती हुए। ये जो चारटा मेजर सिम्पटम था ये लिवर सिरोसिस रे हुए। बाकी माइनर सिम्पटम कोन हबा काईके लिवर रो काम थाए बहुत सारा जिंस जेमती खराब जिंस को बाहर करबा हमको लागि किडनी करे ना कौन हुए जिते आम खाद्य खाऊँ खाद्य हजम होचु तार सकाशे जो खराब जिनस थाए जो बंची जाए से लिवर को आसे लिवर ताको फिल्टर करे फिल्टर करके हार्ट को दिए हार्ट पंप भल जो थाए शरीर को दिए तो कहीं से खराब जिनस फिल्टर हो पार तो से खराब जिनस रही जमी अमोनिया सकाशे लोक मानू चिन्ह न पारिबा ता सकाशे फटिकनेस आस मतलब काम न करिया इच्छा हवा सब असुस्थ लगे किसी भी कर इच्छा हुए ना। तो ये सब सिम्पटम भी लिवर सकाशे हुए। आउ लिवर कौन काम थाए? लिवर काम थाए शुगर को कंट्रोल करिबा तो आमर शुगर भल कि फर कंट्रोल हुए ना एटा भी लिवर जतले खराब होचे तार सिम्पटम आसे कि शुगर अनकंट्रोल्ड हो जीवा या फिर शुगर एकदम लो हो जीवा कहीं कौन होचे आमर शरीर रे जिते भी एनर्जी थाए से लिवर रे स्टोर हुए तो एकना लिवर खराब अछि तो एनर्जी सेठी स्टोर हेरी परिबनी तो से मानको शुगर बहुत जल्दी कमी जाए। तो ये जिनस भी सिम्पटम्स आसी पारे। सेकंड ब्लड प्रेशर फॉल हवा तो एटा भी जते लिवर सिरोसिस हो जाए तो ब्लड प्रेशर फॉल हवा एटा सिम्पटम आसी पारे। तो ये सब ऑल दिस आर माइनर सिम्पटम जोटा लिवर सिरोसिस हो गेले आपनको आसी पारे। स्किन रे चेंज हवा क्यांकि जो स्किन रहउची और लिवर रहउची से गोटा जगह रु बनुची तो सपोज आपन लिवर खराब अछि ना तो स्किन कलर डार्क हो जीवो। तो गोटा लोक अछि जे नोटिस करछि मोर धीरे धीरे फेस रो स्किन डार्क हो जाउची मतलब एटा गोटा साइन सिम्पटम रोची कि तार लिवर खराब हबार ही शुड गेट एक्चुअली इवैल्यूएट तार लिवर फंक्शन के इवैल्यूएट करिया कथा तो स्किन कलर डार्क हे जीवा। तो ए सब विभिन्न माइनर सिम्पटम अछि जोटा लिवर सिरोसिस संगे एसोसिएटेड अछि। ट्रिटमेंट जो रोची एटा दी स्टेज रे हमें डिवाइड करिबा। प्रथम को कारण सकासे ट्रिटमेंट, सेकंड तार कॉम्प्लिकेशन रो ट्रीटमेंट। तो सपोज प्रथम थरे हम पाखरे लोक आसुची आमे देखुछु कि को कारण सकासे तार हेछि लिवरसिस, तो सपोज एटा ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस सकासे हेछि, तो स्टेरॉइड माध्यम रे आरो बहुत बढ़िया रिजल्ट आसे। सपोज एटा अल्कोहल सकासे हेछि, तो हमको डिपेंड करी कि अल्कोहल रो को स्टेज रे हेछि। यदि एटा स्टार्टिंग स्टेज रे अछि त हमें अल्कोहल बंद करी कि बहुत सारा मेडिकेशन आसुची आजिकली ये सब द्वारा आम कंट्रोल करि परिबा। यदि एटा एडवांस स्टेज रे अछि जादरे लोक को जॉन्डिस हे जाईछि, तो तापे हमहु केबके स्टेरॉइड या फिर आजिकल बहुत नुवा गोटा थेरेपी आसी गलानी ताको कुछ एफएमटी फिकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट ये माध्यम रे कोण करूचु, यानी गोटा हेल्दी डोनर फिकल नौचु ताको आमे दउचु, जा द्वारा अल्कोहलिक यानी जो मद सका जो जॉन्डिस अछि से कमी जाउची। तो अल्कोहल को स्टेज रे आसुची, गोटा मद पी कि तारो को स्टेज रे लिवर खराब अछि, जॉन्डिस अछि कि नाही से या पेटर पानी भर जाय से सब तारो ट्रीटमेंट रहउची। थर्ड रहउची यदि एटा आपन को विल्सन सका से हेछि जेम तुम कहिछि कारण, तो तापे हमर कोन जिंक पेनिसिलामिन ये सब ट्रीटमेंट आसुची। तो एटा तो रहिगला को कारण सका से लिवर सिरोसिस होउची तारो ट्रीटमेंट। फिर रोची तार कॉम्प्लिकेशन सकाशे, प्रथम रोची जॉन्डिस हवा, तो जॉन्डिस पे हमको डिपेंड करची कि तापे ट्रीटमेंट आसुची। सेकंड यदि पेटर पानी रोची तो हमें एमती बटिका दोची कि पेटर पानी परिश्रम माध्यम रे पळि जाऊ और पेटर पानी कमी जाऊ। थर्ड रोची यदि एठी रक्तस्वर फुली जाईची हम एंडोस्कोपी द्वारा मु जाना पड़ची, तो टैबलेट देई कि हमें ये रक्तस्वर को फुलिया को बंद करि परिबा या फिर बैंडिंग करी कि यानी इसो हमें एंडोस्कोपी करिबा तादर गोटे बैंड चढ़े देबा, तो एठी रक्तस्वर को भी हमें गायब करि परिबा। फोर्थ रोची यदि लोक माने चिन्ह न पारुनंती एटा लिवर सर्जरी मेमोरी लॉस होउची, तो तापे भी आजकल बहुत सारा नुआ लोला करी जेमते एलॉर्निथिन आसे हाँ या फिर झाड़ा भल कि करदेबा ता द्वारा ये जिनस कॉम्प्लिकेशन को आम मैनेज कर ट्रीटमेंट। आउ गोटे बहुत इंपोर्टेंट अच्छे कहीं मुझे देखी ये बहुत सारा मिथ्स यानी फॉल्स बिलीफ लिवर सांगे एसोसिएटेड अच्छी, जमी लिवर सिरोसिस घी खाइबे आपची येलो जिनस खाइबे यहाँ मिथ गलत अच्छी। लिवर को तो घी भल लगे, लिवर को प्रोटीन भल लगे, तो सपोज लिवर सिरोसिस एमती ना कि खाली सीझा खाइया अच्छी से भल खाद्य खाइया अच्छी जहाँ बेसी प्रोटीन अच्छी। तो प्रोटीन का अच्छी अंडा माछ छेना पनीर सोयाबीन डाली ये सब जिनस बेसी दियंतु, तो ये सब जिनस एक्चुअली बॉडी रो प्रोटीन मात्रा बढ़िबो आउ तांको जो अन्य कॉम्प्लिकेशन होची से कॉम्प्लिकेशन कमीबो। तो सबुठो आगे हमको लिवर सिरोसिस संगे जो मिथ्स एसोसिएटेड कि खाइया पिए सादा दबा कथा घी दबा कथा नो तेल मसला बिल्कुल नहीं, लिवर तेल मसला सबू ताकू बहुत घी भल लगे से जिनस को भल को पचई पारे। इवन आम लिवर को इतने प्रोटीन भल जिनस खाद्य देले लिवर आउ भल की ग्रो करिवो, तो ये सब मिथ्स को हमको दूर करिया अछि। ट्रीटमेंट रो दीटा स्टेज कहली, प्रथम कि को सकाशे हेछि लिवर तार ट्रीटमेंट लिवर कॉम्प्लिकेशन ट्रीटमेंट। थर्ड स्टेज आछि लिवर ट्रांसप्लांट, जेतेले लिवर बहुत एडवांस रे खराब हे जाय आउ से औषध द्वारा ठीक हेई पारे ना, तो तापे लिवर ट्रांसप्लांट एटा बहुत बढ़िया इफेक्टिव ट्रीटमेंट अछि। लिवर ट्रांसप्लांट हम ट्रीटमेंट एंड सेतेले हमें कहूछु जेतेले मतलब ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन या फिर जो कारण से मन को ठीक करिकि भी हम लिवर ठीक न होउछि फिर से मन को हम एडवाइस करछु लिवर ट्रांसप्लांट। लिवर प्रॉब्लम न हो तापे तीनटा मेन जिंस अछि, प्रथम भलो डाइट नबा आउ बॉडी वेट मेंटेन करिबा, बेसी मोटा होंतुनी, जो माने शुगर अछि या फैमिली हाई रिस्क अच्छी नियमित रूप से जाइए लिवर रो चेक करातु तारो प्रॉपर स्क्रीनिंग करातु, जो माने बेसी ड्रिंक्स नौचंती से माने जे भी जाइए तांका लिवर स्क्रीनिंग करातु आउ रोग को आगो बढ़िया आगु ड्रिंक्स बंद करातु आउ हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी रो अवेयरनेस क्रिएट करातु। कहीं ये जिते भी कारण अच्छी तरह हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी एमती दुटा रोग अच्छी जार ठीक समय आम ट्रिटमेंट देले आम से रोग को आम भारत देश इराडिकेट कर पारिबा। तो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी अवेयरनेस क्रिएट करातु, जो जो मान को केबे जॉन्डिस हेछि या किछि भी एलएफटी रे किछि डिरेंज हेछि आपण जाय कि निजर हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी चेक करातु। सो ये अवेयरनेस क्रिएट करेबा, वजन भले कंट्रोल रखिबा, ड्रिंक्स बंद करिबा, दीज आर द थ्री इंपोर्टेंट स्टेप्स टू अवॉइड फर्दर लिवर डिजीज। विभिन्न रोगर कारण और निराकरण संपर्क रे डाक्टर ठाकुर जानिबा पई स्वास्थ्य प्लस ओडिया रो YouTube चैनल सब्सक्राइब करंतु।